हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण आवर। मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मदुरई में आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम जाने वाले हैं मीनाक्षी मंदिर। कल हमने बाइक रेंट पे लिया था और वो अभी भी हमारे पास है और उसी से आज हम जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से मीनाक्षी मंदिर पहुँच करके। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग मीनाक्षी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अभी काफी अंधेरा है। हम लोग दक्षिणी गोपुर से मंदिर में प्रवेश करेंगे। अभी दुकानें भी देखिए धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी है। मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई सारे द्वार हैं और द्वार में ऊंचे ऊंचे टावर्स बने हुए हैं। इन्हीं टावर्स को गोपुर भी कहा जाता है। ये देखिए सामने एक गोपुर दिखाई दे रहा है। सामने जो दिखाई दे रहा है वो दक्षिणी गोपुरम है और ये गोपुरम सारे गोपुरम में सबसे ऊंचा है। मदुरई मंदिरों का शहर है, काफी प्राचीन शहर है और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मदुरई के सेंटर में है ये मंदिर और मदुरई रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी महज 1 किलोमीटर है। बहुत सारे लोग इतनी सुबह सुबह ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं और अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए इधर से अंदर दर्शन करने का रास्ता है और इधर जाने से पहले बड़े बैग्स, मोबाइल, कैमरा और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर ही रखना पड़ेगा। इधर लगेज रखने का स्थान है और फ्री चप्पल स्टैंड भी है। इधर अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। तो हम मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। 9:15 बज रहा है अभी, तो कुल 3 घंटे लगे हमें दर्शन करके बाहर आने में। ये देखिए दक्षिणी गोपुर, जो सबसे ऊंचा गोपुर है, लगभग 170 फीट ऊंचा है ये गोपुर और इसके ऊपर बहुत सारे भगवानों और वेदों पुराणों से जुड़े पात्रों की आकृतियां उकेरी गई है। बहुत ही खूबसूरत है ये गोपुर और 9 मंजिला गोपुर है ये। अब हम कुछ बातें करते हैं मीनाक्षी मंदिर के बारे में। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से मीनाक्षी माता और सुंदरेश्वर भगवान को समर्पित है। मीनाक्षी माता पार्वती माता का ही एक रूप है और सुंदरेश्वर भगवान शिव जी के एक रूप है। इस स्थान पर इन दोनों का विवाह हुआ था और अंदर में इन दोनों भगवानों के लिए अलग अलग गर्भगृह है, जिसके ऊपर जो शिखर बना हुआ है वह स्वर्ण जड़ित है। जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक फ्री दर्शन का और दूसरा शीघ्र दर्शन का। शीघ्र दर्शन के लिए हमें 200 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। हमने फ्री में दर्शन किए थे जिसके लिए 3 घंटे का समय लगा। शीघ्र दर्शन का अगर टिकट लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लगभग 1.5 घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। वो भी डिपेंड करता है कि भीड़ उस दिन कितनी है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में पांडे राजा सदायवर्मन कुलासेखरन प्रथम के द्वारा किया गया था। उसके बाद कई बार मंदिर को लूटा और तोड़ा भी गया और कई बार इस मंदिर का विस्तार किया गया, कई बार मरम्मत किया गया। 17वीं सदी में थिरुमाला नायक के द्वारा इस मंदिर की मरम्मत और इसका विस्तार किया गया था। यहाँ पर मंदिर से जुड़ी कई जानकारियाँ दी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा है, वर्तमान में इस मंदिर के प्रमुख देव मीनाक्षी सुंदरेश्वर कहलाते हैं। हालांकि 13वीं शताब्दी में एक पत्थर शिलालेख के अनुसार शुरू में इस मंदिर में रहने वाले भगवान का नाम थिरु आलवाय उदैया नयानार था, माता का नाम थिरुक्का माकोट्टम उदैया आलुदैया नचियार था। इस मंदिर में कुल 14 गोपुरम है और चित्रा गोपुरम, जो कि पश्चिमी गोपुर है, इसका निर्माण मरवर्मन सुंदर पांड्या द्वितीय ने करवाया था। ऐसे ही कई अन्य जानकारियां आप पहुंच करके पढ़ सकते हैं।
यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मंदिर में लगभग 33,000 मूर्तियां हैं। इस मंदिर को दुनिया के 7 अजूबों की शीर्ष 30 की सूची में शामिल किया गया था। ज्यादातर टूरिस्ट मदुरई शहर मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के उद्देश्य से आते हैं। मीनाक्षी मंदिर एक तरह से मदुरई शहर की एक पहचान ही बन चुका है। ये देखिए एंट्री करने का एक दूसरा रास्ता है। यहाँ पर भी फ्री चप्पल स्टैंड है, बैग रखने की जगह है और मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने की भी जगह है यहाँ पर। ये एक और प्रवेश द्वार है। दीवारों पर देखिए कितनी अच्छी आकृतियाँ उकेरी गई है। अंदर पूरे मंदिर के दीवारों और स्तंभों में ऐसी ही कलाकृतियां की हुई है। छत पर और सामने दीवार पर काफी सुंदर चित्रकारी की हुई है। इस स्थान की और क्या ही तारीफ करूं, आप लोग एक बार इस जगह पर जरूर आए। ये बाहर निकलने का रास्ता लग रहा है। इस दरवाजे के एक तरफ कार्तिकेय भगवान की आकृति बनाई गई है और दूसरे तरफ गणेश जी को बनाया गया है। वहीं बीच में विवाह का दृश्य दिखलाया गया है शायद। मंदिर के गेट सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। ये एक और गोपुर है, यह भी काफी भव्य और ऊंचा है। मंदिर के अंदर कई सारे मंडपम बने हुए हैं और मुख्य देवी देवता के अलावा कई सारे भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित हैं और पूजा की जाती है, जैसे महालक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी, दक्षिणामूर्ति, दुर्गा माता, कार्तिकेय भगवान और भी कई मंदिर अंदर में बने हुए हैं। एक मंडपम ऐसा है जिसमें 1,000 स्तंभ है। जी हाँ, 1,000 स्तंभ, और उन स्तंभों पर कलाकृतियां और नक्काशियां की हुई है। अब हम यहाँ से वापस अपने रूम जाएंगे, पहले नाश्ता करेंगे और फिर बाकी की जगह विजिट करेंगे। यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कुडाल अजगर मंदिर है, तो एक काम करते हैं, वहाँ दर्शन करते हुए हम अपने रूम जाते हैं। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि भगवान विष्णु को ही अजगर के नाम से पूजा जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा कुडाल अजगर मंदिर पहुंचकर। अभी हम लोग कुडाल अजगर मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मदुरई के ज्यादातर मंदिरों के जैसा यह भी द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। ये इस मंदिर का गोपुर है जो कि 5 मंजिला है। ये देखिए गोपुर में कितनी खूबसूरत आकृतियां उकेरी गई है। यहाँ अभी शायद यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। गोपुर के पास में ही फ्री चप्पल स्टैंड, क्लोक रूम और पूजा सामग्री की दुकान है। मंदिर के पास में ही पार्किंग की भी व्यवस्था है, पेड पार्किंग है। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। स्तंभों पर ये जो डिजाइन है वो मीनाक्षी मंदिर में भी बने हुए थे। इस मंदिर को शुरुआत में पांड्यों के द्वारा बनाया गया था, जिसका विस्तार बाद में विजयनगर साम्राज्य और मदुरई नायक राजाओं के द्वारा किया गया था। गर्भगृह के चारों तरफ कई मंडपम भी बने हुए हैं। ढेर सारे स्तंभों से युक्त ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। सारे स्तंभों पर आकृतियां उकेरित की गई है, बहुत ही सुंदर। अभी फिलहाल गर्भगृह का दरवाजा बंद है, तो मंदिर के चारों तरफ का भाग दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये देखिए मंदिर का शिखर, तो ये शिखर बाकी के मंदिरों से थोड़ा अलग है। सबसे ऊपर का भाग जो है वो राउंड शेप में है। देखिए द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुर और गर्भगृह के ऊपर के शिखर को विमान कहा जाता है। इधर देखिए कई सारी पालकियां भी रखी हुई है।
इस मंदिर में शादियां भी होती है और अभी भी यहाँ पर एक शादी हो रही है। प्राचीन ग्रंथों में मदुरई को कुडाल भी बुलाया जाता है और ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर का नाम कुडाल अजगर मंदिर पड़ गया। इस मंदिर में भगवान विष्णु को वियुगा सुंदर राजन के रूप में और माता लक्ष्मी को मथुरा वल्ली के नाम से पूजा जाता है। अभी हमें बताया गया कि थोड़ी देर में गर्भगृह का दरवाजा खुलने वाला है, तो हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार राक्षस सोमुका ने चारों वेदों का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद कुडाल अजगर राक्षस सोमुका को मारने के लिए प्रकट हुए थे। बहुत ही कम भीड़ है यहाँ फिलहाल। वैसे मंदिर प्रांगण में बाहर मंडपम वाले एरिया में भीड़ है, लोग शादी में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। और गर्भगृह का दरवाजा खुल चुका है, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए कुडाल अजगर भगवान के। भगवान की प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी हुई है और लगभग 6 फीट ऊंची है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। मंदिर प्रांगण में ही प्रसाद का भी स्टॉल है। काफ़ी तेज भूख लगी हुई है, तो पहले हम रूम चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मदुरई के बाकी प्लेसेस घूमेंगे। मीनाक्षी मंदिर और कुडाल अजगर टेम्पल में दर्शन करने के बाद वापस हम अपने रूम आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ के बाकी के कुछ प्लेसेस को घूमने के लिए निकलेंगे। टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही दूसरे वीडियोज हमारे इस चैनल पे लगातार आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।